फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। गीता कॉलोनी के नर्सरी झुग्गी में करंट लगने से लड़के की हुई मौत के बाद राजनीति हुई चालू। आप देख सकते हैं कि वीरवार की सुबह गीता कॉलोनी के नर्सरी झुग्गी में पहुंचे हैं आप पार्टी के कार्यकर्ता विधायक एस के बग्गा के साथ, और उसके बाद भाजपा के निगम पार्षद संदीप कपूर, जहां आप देख सकते हैं कि बुधवार की रात करंट लगने से एक 17 साल के लड़के की मौत हो गई थी, और उसके बाद सुबह यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी पहुँच रही है और राजनीतिक गर्म आ गई है। वहीं आप देख सकते हैं कि भाजपा के निगम पार्षद और विधायक एस के बग्गा के बीच बातचीत आप देख सकते हैं, जहाँ पर संदीप कपूर का कहना है कि जो झुग्गी बस्ती है वो दिल्ली सरकार के अंदर आती है, दूसरी के अंदर आती है, जो भी गलियां बनानी है या जो भी काम करना है वो सभी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, जो विधायक को करवाना होता है। वहीं विधायक का कहना है कि निगम पार्षद का ये काम है साफ सफाई का, और जो पानी भरा था वो सब निगम पार्षद का है। दोनों के बीच में राजनीति गर्मा गई है। सुनिए आप क्या क्या आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर बाइट एस के बग्गा और संदीप कपूर की। सर देखिए, मेरे को जैसे पता लगा कि बच्चे का करंट से डेथ हुई है, कल जैसे बरसात हुई है, बरसात में तार अर्थ की है, कोई सामने खंभा देख रहा हूँ, मैं देख के आया हूँ खंभा, तो अभी जितने खंभे यहाँ लगे हैं BSC को बुला के सब चेक कराएंगे कि आगे ऐसा मौका ना मिले, किसी को हैपनिंग मिस हैपनिंग हो जाए, तो उसके लिए अभी BSC को मैं बुलाऊंगा, सारे उनके अफसर आएंगे। पहले बच्चे का पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई हुई है, बॉडी आ लें तो कल परसों में मैं आऊँगा दोबारा यहाँ पर। BSC के माता पिता को कुछ मुआवजा का कुछ घोषणा, उसका मैं अभी घोषणा नहीं, मैं पता करूँगा उसके बारे में, DM से पूछूँगा, होगा तो जोर दिलाएंगे उसको। सर यहाँ पे लोगों की एक समस्या हो रहा है, बच्चा जो मरा है उसके करंट लगने से मरा, जो पानी भर जाता है, यहाँ के पार्षद कहते हैं कि हमारे अंडर में साफ सफाई। सर उसको कहने दो, मैं कराऊंगा यहाँ पे जो भी काम ये कहेंगे, पानी के सीवर की जो भी है कराऊंगा मैं, ये बिल्कुल पहले भी कहा है मैंने, अब भी कहा है, तो मैं पहले यहाँ से ये समस्या निपट ले, बच्चे के बेचारे बड़ा दुख है मेरे को इस बारे में, उसके बाद कराएंगे सारा काम। जो हमें पता है अभी विधायक जी का मेरे को फोन आया, बताया बच्चे की डेथ हो गई, मुझे बहुत दुख है कि आज जब युग बदल रहा है और हम इतनी गंदगी के कारण, आज एक पानी जल भराव के कारण बच्चे की मौत हो रही है, बड़ी शर्म सी महसूस हो रही है हम सबको। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये निगम ने एक भी काम नहीं किया, निगम का दोष दूंगा इस काम के लिए, एक बच्चे की मौत के जिम्मेदार निगम है, क्योंकि निगम के कारण ही ये पानी भर रहा है और जल भराव का कारण सबसे बड़ा निगम ही रहा है। सर निगम पार्षद आए थे, उन्होंने ये कहा कि ये दिल्ली सरकार का काम है, ये पानी भर, निगम पार्षद जी कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ दोष प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, उनको सिर्फ यही आता है कि दूसरी पार्टी का काम है, उनका क्या काम है। सफाई निगम के अंतर्गत आती है, जल भराव निगम के अंतर्गत आता है, नालियाँ आप देखो ना, इतना कूड़ा भरा पड़ा है, निगम पार्षद ने क्या किया यहाँ की झुग्गियों के लिए। हमारे विधायक जी ने यहाँ जब जब आप लोगों ने बुलाया, जिस जिस बात की बात रखी, विधायक जी ने जल का पानी का अच्छा काम करवाया है, और जो काम शौचालय का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो यहाँ के लिए जनता को दिया है, और अब भी हम आपको कह रहे हैं निगम कुछ नहीं करेगी, हमारे माननीय विधायक श्री एस के बग्गा जी द्वारा ये सारे काम करवाए जाएंगे, यहाँ की नाली व्यवस्था बंद करके यहाँ पे सीवर पाइपलाइन बिछवाई जाएगी, जिससे कि नाली बिल्कुल ही परमानेंट बंद हो जाए। वो भैया दिल्ली के अंदर जितनी भी झुग्गी बस्ती आती है वो दूषित दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अंडर आती है वो सारी झुग्गियाँ, और उसके अंदर जो भी काम है, चाहे वो खड़ंजा बनाना है, चाहे सड़क बनानी है, चाहे सीवर है, चाहे पानी है, वो सारा काम जो है दिल्ली सरकार का होता है। नगर निगम उसमें साफ सफाई देखते हैं, और जो स्ट्रीट लाइट है वो हमारे पास है, ये दो काम हम करते हैं। लेकिन अगर इसमें एक भी ईंट लगानी है, इसके अंदर जो शौचालय है वो सारा दूषित दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट देखता है, इसका अलग से बजट भी होता है, विधायक को अपने फंड से देने की जरूरत नहीं होती है, और विधायक सिर्फ रिकमेंडेशन करता है और बताता है। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि यहाँ ये जो नाली है ना, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसे इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैंने देखा ये अंदर अंदर से घूम के आ रहा है, साफ करने की जगह नहीं है, कम से कम 30-30 फुट तक ऐसी जगह है जहाँ आप घुस भी नहीं सकते, ना कुछ कर सकते हो। अब ये आप बोलो तो भैया कोई आदमी पाँव से अंदर नाले के अंदर जाए तब तो